स्वामी जी, मेरा आग्रह है आपसे, अगर आप अपना जवाब थोड़ा छोटा रखें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, कई मसलों पर हम चर्चा कर पाएंगे। अगला सवाल मेरा आपसे है, जो मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या आज आपको लगता है, चाहे आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें या साईं बाबा की बात करें, इनमें से किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि साईं मंदिरों में आज जो पूजा हो रही है ये पूजा दरअसल सिर्फ और सिर्फ चढ़ावे की पूजा है? देखिए, पूजा को मैं एक मिनट के लिए चढ़ावे के लिए, मनोती मान के पूरा करने के लिए, इन सब चीजों के लिए तो की जाती है जी, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा, परमात्मा की प्रतिमा बता करके वो साईं की मूर्ति की करें तो बहुत ही गंदा, गलत है। और राम और कृष्ण की भी करें तो ये राम और कृष्ण के साथ भी अन्याय है। राम और कृष्ण ईश्वर भक्त थे। जहां तक प्रश्न है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का, मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूं, कोई वेद मंत्र नहीं है जिससे किसी मूर्ति में जो जड़ है, पाषाण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये बिल्कुल निरर्थक है, अंधविश्वास है, पाखंड है। और ऐसा काम करना किसी भी व्यक्ति का, और वो जगतगुरु कहलाएं, ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसी चीजें गलत है। मैं बड़ी विनम्रता से फिर कहना चाहता हूं, यदि प्राण प्रतिष्ठा आप करने का दावा करते हैं तो बताइए वो वेद का कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा होती है? नंबर एक जी, वेद। दूसरी बात, उस प्राण प्रतिष्ठित राम की, कृष्ण की या किसी की भी देवता भगवान की मूर्ति जी, प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद क्यों नहीं खाना पीना बोलना चलना शुरू करती? जरा प्राणवान होने का थोड़ा सा तो परिचय दे। वो आपने बता दिया वो प्राणवंत हो गई मूर्ति जी, अब उसके बाद आपने लोगों की भीड़ इकट्ठी की और परमात्मा का अवतार पूजो जी, ये कह करके चढ़ावा इकट्ठा करना शुरू किया, ये एक दुकान है, व्यापार है, झूठ है, धोखा है। स्वामी अग्निवेश, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, हमें सनातन धर्म की पावन परंपराओं को याद करते हुए जी, जो आदि शंकराचार्य ने जो मूर्तियां तुड़वाई, उन्होंने जैनियों की मूर्तियों को उन्होंने हटवाया और उन्होंने कहा ये सब मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए। मैं आदि शंकराचार्य का, मैं नहीं, महर्षि दयानंद ने जो बयान किया, जो उनका बखान किया है जी, मैं नतमस्तक होता हूं आदि शंकराचार्य के बारे में। मैं कहना चाहता हूं स्वामी जी, हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी। बिल्कुल स्वामी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। पूजा को ला करके परमात्मा के स्वरूप को जो बिगाड़ा गया है स्वामी जी, इसने हमारे सारे आदर से मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, वैदिक धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठार। स्वामी जी, बहुत आदर से।